हाय ऑल। लास्ट टाइम मैंने वीडियो डाला था किचन काउंटर टॉप का, तो इस राग के बारे में बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं। तो ये राग जो है डिसमेंटल भी हो जाता है, और इस राग को जो है हमने अमेज़ोन से परचेज़ किया है। और ये लिविंग बेसिक नाम से ये राग है। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगी। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर नहीं यूज़ में है तो ये डिसमेंटल होके आप अच्छे से रख सकते हैं कहीं पर भी। अब आज मैं इस वीडियो में जो है बिलो द काउंटर टॉप दिखाती हूँ कि मैंने कैसे रखा हुआ है सब। तो ये मेरा ड्रॉज है, ये नीलकमल ब्रांड का है। इसमें सब एक्स्ट्रा ग्रॉसरी आइटम्स रखते हैं हम। सेकेंड में यही है, थर्ड में भी एक्स्ट्रा बिस्किट्स वगैरह रखे हुए हैं, चाय पत्ती और इडली वगैरह के बाटल्स रखे हैं। उसके बाद ये एक और मेरे पास स्लीक ट्रॉली है किचन के लिए, मैं यूज़ करती हूँ इसमें। ये 4 लेयर्स की है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं है इसके वजह से, तो मेरे को ऐसे दोनों हटा के और ये सिर्फ 2 यूज़ मैं करती हूँ। यहाँ पर हम जो है अपने तेल, घी और हनी वगैरह यहाँ पे रखते हैं। फिर उसके बाद ये मेरा दूसरा, ये 2 और कबर्ड है जो दोनों ही नील कमल ब्रांड के हैं। और यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस है, तो कुछ एक्स्ट्रा सामान भी रख लिया है मैंने यहाँ पर। यहाँ पे मेरे इंडक्शन रखा है, और ये कप जो कम यूज़ में आता है, हैंड ब्लेंडर है मेरा यहाँ पर, और वो मेरा आयरन का तवा है। तो इसको खोल के दिखाते हैं। तो इस तरीके से मैंने रखा है कि जितने भी पतीले हैं उनको इस पे रखते हैं, और कढ़ाई जो डेली यूज़ आते हैं, जो नीचे कम बर्तन बहुत कम यूज़ में हैं, रेयरली मैं निकालती हूँ कभी कभी, तो वो मैंने नीचे रखा है। ऊपर इसलिए इस तरीके से रखा है ताकि थोड़ा सा झुकें और ये चीज़ें हाथ में आ जाएं, ज़्यादा बैठना ना पड़े। फिर दूसरे में भी ऐसे ही है। ये मेरे फ्राई पैन्स हैं जिनको मैं यहाँ रखती हूँ, ये नॉन स्टिक तवा, ये कुकर, लाइट इतनी आ नहीं रही है। और ये भी ऐसे ही है कि ये मेरे पास एक रैक बहुत पहले से रखा हुआ था, तो इस तरह से मैंने यहाँ पे रख दिया है। तो इसमें मैंने अपने फ्राई पैन और नीचे भी पैन्स वगैरह रखे हैं जो कम यूज़ में आते हैं, और ये 3 लीटर का मेरा कुकर है। फिर इसके जस्ट बगल में जो है मेरा सिलेंडर है, और ये एक और ट्रॉली है मेरे पास, ये मैंने अभी हाल में लिया है, बहुत अच्छी ट्रॉली है ये। ये 4 लेयर की है, वही बात आ गई है कि यहाँ पे स्पेस नहीं था, तो एक और मैंने हटा के रख दिया है, और ये 3 मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। इसको मैं निकाल के अभी दिखाती हूँ। ये ट्रॉली है मेरी, और इसमें ऊपर में मैं कैसरोल रख देती हूँ। यहाँ पर आलू रखे हैं, प्याज, और ये लहसुन, और ये मेरा मिक्सर वंडर शेफ़ का है जो थोड़ा कम हम यूज़ करते हैं, क्योंकि जब से मैंने जो है बॉश का लिया है मिक्सर, वो दी बेस्ट है, और मैंने उसका रिव्यू भी अपने चैनल पे डाला हुआ है, तो इसको थोड़ा सा कम ही यूज़ करते हैं हम। तो ये इस तरह ट्रॉली है, बहुत अच्छी है ये, इसका भी लिंक शेयर कर देंगे हम। ये 4 लेयर्स में मैंने लिया था, लेकिन स्पेस बहुत कम है, तो 3 ही यूज़ आ पा रही है। फिर इस ट्रॉली के बाद हम यहाँ पर आते हैं। तो ये जो है एक ग्लास शेल्फ है, इसको जो है मैंने वॉल ब्रैकेट से यहाँ पे लगा रखा है, ताकि इन सबको जब मैं बाहर निकालूँ तो ये हिंडर ना करे और आराम से निकल जाए। तो ये ओनियन और पटैटो का है, जिसको मैंने वेबसाइट से ख़रीदा था, लेकिन प्रैक्टिकली अगर देखा जाए तो इसमें जब मैंने ओनियंस और पटैटो वगैरह रखा, तो नीचे होल्स देने के वजह से नीचे के तो ठीक थे, लेकिन जब जो ऊपर वाले ओनियंस थे वो ख़राब होने लगे थे, तो मैं इसमें अब नहीं रखती हूँ। शो के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन
प्रैक्टिकली मुझे यूज़फुल नहीं लगा। इसमें अभी मैं ग्रोसरी का कुछ आइटम एक्स्ट्रा हो जाता है तो इसमें डाल लेती हूँ। ये जो बॉक्स है ये भी अमेज़ॉन से मैंने ख़रीदा है। इसमें जो है मैं बासमती राइस अपना रखती हूँ बिरयानी वगैरह बनाने के लिए। और ये तीनों बॉक्स भी मैंने अमेज़ॉन से परचेज़ किया है। ये 15 लीटर के हैं। बहुत अच्छा इसमें आटा वगैरह आ जाता है। ये एक में आटा रहता है, एक में राइस, और इसमें जो है ग्रोसरी आइटम्स रहते हैं। ये एक और ड्रॉज है मेरे पास जो सेलो ब्रांड का है। इसको भी मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया है और इसको भी मैं खोल के दिखा देती हूँ। सबसे ऊपर वाले ड्रॉज में ये माइक्रोवेव सेफ मैंने बाउल्स रखा है और यहाँ पे रैपर बैंड्स रखा हुआ है। सेकंड वाले में जो है वो चकला, बेलन और आटे के लिए जो बॉक्स लगता है वो रखा हुआ है। उसके बाद उस पर तो ये वाले ड्रॉज में मेरा दलिया है और इडली का बैटर है, उपमे का पाउडर वगैरह, ये सब यहाँ पर रहता है। ये सब एक्स्ट्रा है जो यहाँ पर स्टोर कर लेते हैं हम ये सब भी। और ये एक मैट है ड्राई करने के लिए यूटेंसिल्स को। तो लास्ट वाले ड्रॉज में रहता है एल्युमिनियम फॉइल, क्लिंग रैप, और इसमें थोड़ा मैचस्टिक वगैरह और ये एक्स्ट्रा रैपर बैंड। उसके बाद यहाँ पर टूथपेस इसलिए कि कभी जल जाए कोलगेट, और मोमबत्ती वगैरह यहाँ रखे हैं कभी लाइट चली जाए या कुछ ऐसा तो हैंडी रहे कैंडल। और ये जो है मेरा किचन टॉवल रखने का एक छोटा सा बास्केट है जो एक्स्ट्रा किचन टॉवल्स है, इसमें मैं रख देती हूँ। फिर इसके जस्ट बगल में आता है मेरा सिंक एरिया। सिंक एरिया के नीचे में ये एक बास्केट है, इसमें होल नहीं था, मैंने इसमें होल किया हुआ है। ये इस तरह मैंने जो है वो नाइफ की हेल्प से मैंने यहाँ पर एक होल करके इसको टाई कर लिया है ताकि ये ज़्यादा जगह ना ले। इस बास्केट को मैंने इसलिए रखा ताकि किचन टॉवल वगैरह इसी में जो है मैं कलेक्ट करके धो दिया करूँ। ये हो गया बास्केट। उसके बाद फिर यहाँ पर एक स्टेनर मैंने हैंडी रखा है राइस वगैरह को धोने के लिए। और इसके जस्ट बगल में आता है मेरा डिश वॉशर। डिश वॉशर जो है मेरा वो IFB ब्रांड का है। यहाँ बर्तन रखने वाला स्टैंड है। इसके जस्ट बगल में ये स्पेस रखा है कि कुछ थोड़ा सा खुला खुला भी रहना ज़रूरी है। तो अब ये लास्ट ड्रॉर है मेरे किचन का। ये जो है ये सुप्रीम ब्रांड का है। इसको भी मैं खोल के दिखाती हूँ। सबसे पहले ड्रॉज में आता है मेरा, सबसे पहले वाले ड्रॉज में ये सब कटोरे हैं, ये सूट के जो हैं, ये पॉट्स मैंने मंगवाए थे ऑनलाइन, ये रखती हूँ। ये है उसके बाद सेकेंड शेल्फ में मेरे कप्स, मग, एक्स्ट्रा जो भी हैं ग्लास वगैरह, इसमें मैं रखती हूँ। ये घी रखने वाला कंटेनर है, इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ, अभी फ़िलहाल यही है। और लास्ट वाले ड्रॉज में ह्यूज कलेक्शंस क्या ही कहेंगे, ये सारे शीशे के हैं। एक आध ही जो है प्लास्टिक के हैं मेरे पास, स्टील के ज़्यादा हैं और ग्लास के कंटेनर्स में बस ज़्यादा हैं। तो इस तरह एक बॉक्स DIY कुछ नहीं है, बस ऐसे ही मैंने रख लिया है। और ये सारे लिड्स जो है इस तरह से मैंने रखे हैं। तो ये हुआ मेरा कंप्लीट किचन टूर। अब मैं फुल लुक देती हूँ। तो ये यहाँ से मेरे किचन का एंट्रेंस है, ऐसे गए। फिर यहाँ पर कैटल वगैरह, ये यहाँ पर स्विच है, इस वजह से सारी कुछ चीज़ें यहीं पर है। ये जो चीज़ है, ये ड्रॉर जो है थोड़ा नीचे हो रहा था तो यहाँ पे मैंने ग्लास एक रखा हुआ है, ग्लास का शेल्फ, उसके ऊपर ये मैट रख के मैंने रखा है।
तो ये है मेरा किचन। ओके ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।